The term ADR is relatively new in the dictionary of law. It evolved in the 80s. So before that, all the mode of settlement of disputes were there. Arbitration was there, mediation was there, reconciliation was there, negotiations were there. But ADR or an umbrella under the name of ADR was coined in the 80s. So it is relatively new. And there is no strict definition of ADR still, even not in our Act, the comprehensive definition of ADR. Secondly, alternate dispute resolution means that you are presuming, when you call something as alternate, you are presuming that principle is something else and these activity is alternate to some principle. And ye basic farak jo hai, wo humne rakhna hoga hamesha. Like any other word, this term has also psycholingual, sociolingual connotations. We cannot detach these connotations from any word or any term, especially in legal sense. So when we talk about ADR in the context of those countries, the developed countries, we can get a clear picture of that, with what we are talking about. But when we use the same term in our national and religious context, it has a different meaning altogether. Anyway, as a practicing lawyer, सारी उम्र मैंने भी प्रैक्टिस की है, आप सारे यहाँ बैठे में, litigation is the last option here of every litigant. Most of the time, हर litigant कोर्ट आने से पहले पूरी अपनी कोशिश कर लेता है, चाहे वो फैमिली मैटर हो, बिजनेस मैटर हो, इवन क्रिमिनल मैटर हो, उसमें भी कि पहले ये सारे वेन्यूज एग्जॉस्ट कर दे, फिर एज ए लास्ट रिजॉर्ट. एंड व्हेन वी लुक एट अ रिलीजन, देर आर the word used for dispute resolution, not alternate dispute resolution, is rather sulh or islah. The purpose of settling the dispute, afsad ko khatam karne ke liye, corruption ko khatam, not that corruption jo aaj hai, but every sort of corruption, उसको सीधा करने के लिए इस्लाह का लफ्ज इस्तेमाल होता है. और जब वो इस्लाह के प्रोसेस में फाइनली कंक्लूड होता है दो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज में, तो दैट इज कॉल्ड सुल्ह. इस वर्ड की बेसिस पे देर आर मोर देन अराउंड 40 आयात्स ऑफ कुरान स्पेसिफिकली जो इसी पे बात करती हैं कि व्हाट शुड बी द आर्बिट्रेशन और हाउ द डिस्प्यूट शुड बी रिजॉल्व्ड. तो और देर आर मोर देन 150 और 60 अहादीस जो के इसको रेफर करती हैं. इसको हम अपने मज़हब को और अपनी इधर की रिवायात को अगर देखें तो विच इज़ नोन एज एडिया इज प्रेफर्ड मोड ऑफ सेटलमेंट. ये चीज़ बिल्कुल रिवर्स है.
यानी कि एडी मतलब हर शख्स पहले कोशिश ये करता है और ये होनी चाहिए सिस्टम की भी। अब देर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एडीआर। आई एम यूजिंग दिस वर्ड एडीआर एज इट इज परसीव्ड बाय ऑल ऑफ अस। यानी वो जब प्राइम होगा तो लिटिगेशन इज ऑल्टरनेट। इसके प्रॉज एंड कॉन दोनों के हैं। लिटिगेशन में इट्स टाइम कंज्यूमिंग, इट्स कॉस्ट बेनिफिट उसमें नहीं है। उसके बाद और प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन सिमिलरली जो हमारी रिवायात में जिरगा सिस्टम है उसको भी हमें कहीं ना कहीं कोई एक प्रोसीजरल सेट रूल्स ऑफ लॉ देने होंगे, जो कि इस वक्त जो हमारे सामने लॉ है उसमें शायद अपेरेंटली इतने नहीं हैं। मैं ज़्यादा उसमें ज़रा कॉशस इसलिए हूँ कि वो हमारे कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है कि वो उस तरह की चीज़ें चैलेंज हो सकती हैं, लिहाजा मैं कोई माइंड डिस्क्लोज उस पर नहीं करना चाहता। वो अब शहीद कोर्ट की अगर आप चैप्टर 3A पढ़ें उसका 203A से जे तक, तो इसलिए इतना ही काफ़ी है फिलहाल उसके बारे में कहने के लिए कि जो इस्लाम की और हमारे रिलीजन की असल स्प्रिट है वो अगर इम्प्लीमेंट इस एडीआर में रिफ्लेक्ट हो इस एक्ट में, तो बहुत सारी लिटिगेशन बहुत तेज़ी से कम हो सकती है, जो कि होनी चाहिए। फ़र्क सिर्फ कहाँ आता है, जब दो पार्टीज इक्वल ना हों। जब दोनों ताकतवर होंगे तो दे ऑलवेज गो फॉर एडीआर, दे ऑलवेज गो फॉर मीडिएशन और आर्बिट्रेशन। बिजनेसमैन हमेशा प्रेफर करता है, वो टाइम बचाता है, टाइम मनी एनर्जी एवरीथिंग। तो फर्क वहां आता है, लिटिगेशन और कोर्ट्स की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब देर इज इम्बैलेंस बिटवीन द लिटिगेटिंग पार्टीज। ये भी हमने देखना है कि क्या है। ट्रेडिशनली एक हमारे ज़्यादा अच्छा नहीं होता अपने आप उसको कोई मिसाल दें, लेकिन इट इज़ रेलिवेंट कि एक कस्टम सवारा के नाम से केपी में, वनी के नाम से सिंध में और दूसरे इलाके में मुख्तलिफ नामों से सुलह बदल में उसमें ख्वातीन दी जाती थी। जो एग्रीव्ड ट्राइब या एग्रीव्ड पार्टी है जो उसको जो परपेट्रेटर है या क्रिमिनल है वो सेटलमेंट में फोर्स मैरिजेज होती हैं, चाइल्ड मैरिजेज होती हैं। अब वो एडीआर जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं लेकिन डीप रूटेड हमने उसको डिक्लेयर किया, पनिशेबल क्राइम बनाया लास्ट ईयर इन अक्टूबर। ये बैलेंस भी देखना होगा दोनों में कि जो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के मोड्स हैं जिसको इस्लाम प्रमोट करता है उसको सिर्फ अपने चैनलाइज कैसे करना है। आप इतना टाइम नहीं है कि सारी अहदीस पढ़ी जाएं या उससे मुतालिक शरिया की हर क्लासिकल किताब में बाब सुलह बैन नास मौजूद है, बैन अल खुसूम मौजूद है, सुल लिटिगेशन की बात नहीं हो रही, तहकीम का पूरा बाब मौजूद है, सालसी का बाब मौजूद है, मोतसिब का इंस्टीट्यूशन वो इस्लाम मुसलमानों ने उसको ईजाद किया, टर्क्स ने। टर्क से याद आया अहकामुल अदल मुजल्ला अहकामुल अदलिया जो ऑटोमन्स का सिविल कोड है उसमें 18 सेक्शन 1800 समथिंग से कोई 15-20 सेक्शन हैं,
उससे हम रहनुमाई ले सकते हैं कि सिविल मैटर्स में आर्बिट्रेटर कौन हो सकता है, कौन से मैटर उसमें रेफर किए जा सकते हैं, सेटलमेंट कैसे होगी, बड़े डिटेल्ड वो मौजूद हैं, उनसे हम ले सकते हैं, हमारी रिवायत का हिस्सा है। और ऐसा लॉ जिसके रूट्स हों सोसाइटी में, वही जड़ पकड़ पाता है। आप एलियन उसको ला के कितना ही लॉ कहीं से ड्राफ्ट ला के इंट्रोड्यूस करा दें, वो उस तरह नहीं उसके रिजल्ट आएंगे। एक बेशुमार लॉज की मौजूदगी में हम दे चुके हैं, सदर साहब ने, शेख शाहीन साहब ने, क्योंकि वो बहुत ही टॉप नॉच प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, वो समझते हैं इस बात को कि लिटिगेशन के क्या मसाइल हैं, लिटिगेंट्स के क्या मसाइल हैं। उन्होंने ही राइटली पॉइंटेड आउट कि अगर इस तरह की चीज़ें, मैं डिस्करेज नहीं करना चाह रहा ना इसकी मुखालफत कर रहा हूँ, लेकिन अगर प्रमोट की जाएंगी इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार में, तो जो जुडिशल सिस्टम पे जो लोग या तंजीमें एतराज़ करती हैं अपने ख़ास मफाद के तहत या एंगल के तहत, उनको तकवियत मिलेगी। इट्स अ काइंड ऑफ नो कॉन्फिडेंस ओवर द प्रेजेंट करंट रनिंग जुडिशियल सिस्टम, अगर हम इसको उतना प्रमोट करें। ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है कि जिस तरह का ये लॉ इस्लामाबाद की हद तक है, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है डेफिनेटली, और बाकी सूबों के लिए भी जब लॉ बनाया जाए तो वहाँ की बार काउंसिल्स को, लिटिगेंट्स को कंसल्ट किया जाए। उसके बगैर कभी भी मतलूबा उसका नताइज नहीं निकलेंगे। ये क्योंकि जितनी अहादीस हैं उनका निचोड़ हज़रत उमर के कॉल में है, एक एंगल से देखा जा सकता है। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में तमाम काजियों को ये ताकीदन ये ख़त लिखा, जो मुख्तलिफ उसके वर्जन हैं वो, लेकिन अहादीस की किताबों में वो कोट उनका मौजूद है कि जो भी तुम्हारे पास लिटिगेंट आए उसको पहले सुलह की तरफ खींच के लेके जाओ, यानी कि उस ये प्रेफरेबल है, ये प्रेफरेबल, इट इज़ नॉट अल्टरनेट मैटर, इट इज़ प्रेफर्ड मैटर, तो उसको वैसे ही देखना चाहिए हमें। लेकिन ये ख्याल रखते हुए कि उससे जो जुडिशियल करंट, जुडिशियल सिस्टम की साख है वो असरअंदाज ना हो, यानी कि इसको हमने सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, आर्बिट्रेशन तो 1940 से हमारे पास एक्ट है, उसके बाद आप मीडिएशन या नेगोशिएशन या कंसिलिएशन जो भी उसके नाम देते जाएं, उसको एक ट्रांसपेरेंट वे में और एक सेट प्रोसीजर के तहत अमल में आना चाहिए। एक दूसरा, वो रेफर करने के लिए अगर आप एनालाइज करें उन सारी आयात को जो फैमिली मैटर से शुरू होते हैं और बल्कि जंगों तक बात चली जाए तब भी, तो रेफर उनको किया जाए जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। लॉयर ज़रूरी हैं, लेकिन आर्बिट्रेटर जो हो या मीडिएटर जो हो या जो रिकंसाइल करा रहा हो वो उस फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर वो सेक्टर और उस फील्ड को ही नहीं समझता तो खाली इस तरह उससे आपको नताइज हासिल नहीं होंगे। जो वेस्टर्न लीगल सिस्टम है, ग्रीको रोमन हिस्ट्री कह लें, यानी कि उसमें कोई भी ऐसा, दुनिया में कोई इलाका, सिविलाइजेशन ऐसी नहीं है जिसके पास ये ट्रेडिशन ना हो। हमारे पास जिरगे की, पंचायत की बहुत स्ट्रॉन्ग सैकड़ों सालों से एक रिवायत मौजूद है। आप जापान से शुरू, शेंटूज़म में है, कन्फ्यूशियसिज्म में है, जावा सुमात्रा में है, अफ्रीका भरा पड़ा है, हर जगह, जहाँ पे भी आप देख लें, हर एक की
रिवायात में ये मौजूद है, जो इस वक्त जुडिशल सिस्टम को या जुडिशरी को जिस तरह परसोनिफाई किया जाता है कि वो गॉडेस और स्टेचू ऑफ जस्टिस के खातून है, वो तलवार लेके खड़ी हुई है, शी इज़ ब्लाइंड फोल्डेड एंड स्केल इज इन और अदर हैं, ये बहुत अच्छी परसोनिफिकेशन है। सारी डिटेल है, आंखों पे पट्टी इसलिए कि उसने प्रोसीजर देखने, उसने पार्टीज नहीं देखनी, तलवार इसलिए कि उसके पास एक पावर भी है, उसको जो ऑर्डर वो पास करेगा उसको इम्प्लीमेंट कराने की, स्केल बैलेंसिंग। लेकिन आर्बिट्रेट, ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसमें ये चीज़ नहीं होती, इसमें आर्बिट्रेटर की आंखें खुली होती हैं, ही और शी इज़ नॉट ब्लाइंड फोल्डेड। उसको पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ की बात हो रही है, किस ट्रेड की बात हो रही है। उसके हाथ में तलवार नहीं होती, वो ज़बरदस्ती नहीं करता, यानी कि उसका स्टेचू, उसकी पर्सोनिफिकेशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द पर्सोनिफिकेशन ऑफ जस्टिस विच इज़ फंक्शनिंग टूडे एवरीवेयर। सो ये दो तीन चार बातें, लेकिन आई मस्ट अप्रिशिएट दीज एफर्ट्स ऑफ कुरैशी साहब, इनकी ऑर्गेनाइजेशन, इनकी लॉ फर्म, बाकी जो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इसमें, कि ये ओवरनाइट नहीं हो जाएगा। जिस तरह शाहीन साहब ने कहा कि इसको कंसल्ट, अब देखें ना, एक्ट आया हुआ है 2017 से, रूल्स उसके बाद 2018 से बने हुए हैं। हम आज आई एम श्योर कि यहाँ जितने लोग हैं वो इससे कंसर्न हैं, वो ये देख के आज जुमे के दिन, जुमे के बाद यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन सब ने वो एक्ट नहीं पढ़ा हुआ होगा। प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं सारे, ये पहले होना चाहिए था। मज़ीद इसमें जो भी होना है वो, इसकी जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो भी की जाएं, और इसमें इम्प्रूवमेंट जिस तरह की बड़ी लॉ फर्म है कुरैशी साहब की, बाकी जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे हैं या बाहर के हैं, या जो रिप्रेजेंटेटिव हैं बार एसोसिएशंस के, जब तक वो कंसल्ट नहीं किए जाएंगे इसके खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकलेगा। बस ये चंद एक गुजारिशात थी, थैंक यू वेरी मच। Okay, thank you much, sir. Thank you for highlighting the importance of this in the, from an Islamic perspective. I can say on the basis of my little knowledge that there's a book on 17th century Ottoman courts, and one of the, and it's written by an Englishman, and one of the chapters on there deals with the muslihun, that's the term they used to use, that often litigants would come to the qazi and say that we've solved our matters through the muslihun, who are designated ADR experts, if you like. So certainly, again, emphasizing the point that is very much in the tradition to which we belong. Now, Justice